नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट करने की बीमारी से ग्रसित है और आप इस बीमारी को दूर करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैंने एक ऐसा इलाज बताया है जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और मैं आपको बता देता हूँ कि पेटीएम वॉलेट आप एक्टिवेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं और क्या बीमारी आ रही है, आप इसमें क्यों पैसे ऐड नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि RBI की गाइडलाइन अब निकली है जिसमें आप पेटीएम वॉलेट जो है उसमें फंड ऐड नहीं कर सकते न्यू कस्टमर, जो कि एक ऑडिट निकला है RBI के द्वारा। उसमें ऑडिट के द्वारा आप नए कस्टमर पेटीएम वॉलेट को एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। जो ऑलरेडी कस्टमर है रजिस्टर्ड वो तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट न्यू कस्टमर है उनको प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर आपको कुछ देर वेट करना है। मैं आपको बता देता हूँ कि RBI के द्वारा भी एक और निकाला गया है जो कि अगर आप पेटीएम वॉलेट को एक साल तक यानी कि एक साल तक उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं तो आपका जो पेटीएम वॉलेट है यहाँ पर वो इनएक्टिव कर दिया जाएगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पेटीएम बैंक द्वारा यहाँ पर ट्वीट किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको एक साल तक आपके पेटीएम वॉलेट को इनएक्टिव नहीं रखना है। और रही बात ये अभी न्यू कस्टमर की, तो ये कस्टमर के पेटीएम वॉलेट इनएक्टिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर RBI ने एक गाइडलाइन निकाला है, नोटिस निकाला है कि आप न्यू कस्टमर यहाँ पर नहीं बना सकते हो, क्योंकि जो न्यू कस्टमर बन रहे थे वो जो ऑलरेडी कस्टमर थे उनके डेटा को यहाँ पर पेटीएम उनके डेटा को चेक कर रहा था, ध्यान में रख रहा था। इस वजह से RBI ने ये फैसला लिया है। तो जैसे ही RBI का ऑडिट यहाँ पर निकलेगा कि हाँ चलो ठीक है अब सब, तो तब आप यहाँ पर न्यू कस्टमर यहाँ पर पेटीएम वॉलेट को एक्टिवेट कर पाएंगे और अपना फंड ट्रांसफ़र और निकाल पाएंगे। तो अब जब भी RBI का ये ऑडिट आएगा मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो बना के बता दूंगा, उसमें आपको चेक कर लेना है। तो आज का ये वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।